その車輪が、お前はどこまで見えている？江戸天聖の術、テレパンペロ、内派、板津、テレパンペロ、ペロ、ペロ、テレパンペロ。Hey, hello, what's up guys? Welcome to Z99 and welcome to our another video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आगे भी जो है बढ़िया रहना. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्रीव्यू की तरह शॉर्ट वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ. गाइज, इस टाइप के शॉर्ट वीडियो को बनाने का आइडिया मुझे हकाई टीवी के एक शॉर्ट वीडियो से आया है. एंड इस टाइप का शॉर्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड मैंने अभी तक किसी के भी यूट्यूब चैनल पे इस टाइप का शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है. सो गाइज, अगर आप लोग कुछ यूनिक सा शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हो तो आप लोग इस शॉर्ट वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल को अच्छे से एंड तक वॉच करो. मैं श्योर हूँ आप लोग भी ये शॉर्ट वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल पूरा देखने के बाद इस टाइप का कुछ यूनिक शॉर्ट वीडियो एडिटिंग कर पाओगे. एंड गाइज, मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है तो मुझे इस वीडियो में भर भर के कमेंट्स चाहिए. इस वीडियो को शेयर करना एंड प्यारा सा कमेंट करना. जिसका भी कमेंट मुझे पसंद आएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा. सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार के लिए आ रहे हो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना एंड इसी के साथ वीडियो को एक लाइक करना. तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. गाइस, सबसे पहले आप लोगों को काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड 9:16 का एक रेशियो बना के आप लोगों को अपने गेम प्ले को ऐड कर लेना है एंड स्प्लिट करना है जहां पर आप इमोट मार रहे हो एंड कैप्चर कर लेना है. अभी गाइस, कैप्चर किया हुआ स्क्रीनशॉट को रिटच एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से जो भी पार्ट मुझे नहीं चाहिए स्क्रीनशॉट में, उन पार्ट्स को मैं कुछ इस तरीके से इरेज कर रहा हूँ. आप लोग भी इरेज कर लेना, बहुत ईजी है. और भाई, रिटच एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, जाकर डाउनलोड कर लेना. ओके, तो कुछ इस टाइप से इरेज कर रहा हूँ मैं, देख सकते हो बहुत ही अच्छे से इस एप्लीकेशन के अंदर डिलीट हो जाता है. तो इतना करने के बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है. तो पिक्सआर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, सीधा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ये ऐड हो जाएगा. अभी क्रॉप में जाएंगे एंड नीचे वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा इस तरीके से क्रॉप कर देना, इसको सेव कर लेंगे. एंड सेव करने के बाद गाइस, रिमूव बीजी के ऊपर जाना है. सिंपली कुछ नहीं करना है, इंटरनेट को ऑन रखना, ऑटोमेटिकली PNG बन जाएगा कैरेक्टर का. अभी गाइस, ऐड फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है एंड मैं एक फ़ोटो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस फोटो को यहाँ पर ब्लेंड में जाके ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है. एंड अभी गाइस, ऐड करने के बाद आप लोगों को इरेजर वाला ऑप्शन के ऊपर जाना है एंड कुछ इस तरीके से आप लोगों को इरेजर का सेटिंग रख के इरेज कर लेना है. ओके, एंड अभी गाइस क्या करना है, इतना काम करने के बाद ह्यू के अंदर जाना है, ठीक है. मतलब एडजस्टमेंट में जाना है, ह्यू के अंदर जाना है एंड इसको रेड कलर का कर देना है. आप लोग जिस कलर में करना चाहते हो आप लोग रखना, मैं रेड कलर का करना चाहता हूँ तो रेड कलर में रख के इसको सेव कर लूंगा. ओके, इतना काम करने के बाद गाइस, आप लोगों को काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करके 9:16 का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है एंड यहाँ पर रिटच वाला जो स्क्रीनशॉट हमने एडिट किया था उसको ऐड कर लेना है. एंड एडजस्टमेंट में जाना है, आप लोगों को ब्राइटनेस को डिक्रीज रखना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है. आप लोगों को यहाँ पर जो है डार्क टाइप के एडजस्टमेंट करना है, डार्क टोन देना है, ठीक है. एंड इतना काम करने के बाद आप लोगों को पिक्सआर्ट वाला जो हमने PNG कैरेक्टर का एडिट किया था, ठीक है, आई में ग्लो डाल के, वो वाला PNG यहाँ पर ऐड करके इसको जूम कर लेना है, ठीक है. एंड इसको एंड तक रख देना है, देख सकते हो, ठीक है. अभी गाइस, मीडिया के अंदर जाना है. ये वाला क्लिप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना. एंड इस क्लिप को आप लोगों को ऐड करके ब्लेंडिंग में जाना है. सबसे पहले तो इसका ऑडियो को बंद कर देंगे एंड ब्लेंड में जाना है. ब्लेंड में जाके इसको लाइटन रखना है, ठीक है. लाइटन यहाँ पर रख देंगे एंड अभी इसको सेंड टू बैक कर देंगे, कैरेक्टर के पीछे चला जाएगा. जूम कर लेना है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है. तो जूम करने के बाद देख सकते हो भाई, अभी से ही जहर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है. तो इतना काम करने के बाद, रुको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देख सकते हो कितना सही लग रहा है. अभी गाइस, इतना काम करने के बाद फिर से मीडिया के अंदर जाना है एंड ये वाला ग्लो PNG मिलेगा, इसको भी ऐड करके लाइटन कर देना है एंड इसको भी हम लोग सेंड टू बैक कर देंगे. तो यहाँ पीछे से और भी ग्लो आएगा कैरेक्टर के, तो देख सकते हो बहुत ही सही लग रहा है. एंड इसको भी हम लोग एंड तक रख देंगे, ठीक है गाइस. अभी गाइस क्या करना है, मीडिया के अंदर जाना है एंड मीडिया के अंदर जाके आप लोगों को ये वाला वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, ये वाले वीडियो को ऐड कर लेना है. एंड अभी गाइस, आप लोगों को इसका भी ऑडियो को बंद कर देना है एंड ब्लेंड पे जाना है. ब्लेंड पे जाके इसको हम लोग करेंगे स्क्रीन करते, ठीक है गाइस. स्क्रीन करने के बाद इसको कुछ इस टाइप में नीचे रखना है एंड सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है. एंड अभी गाइस, इसका जो अल्फा है इसको हमें 74 रख देना है, ठीक है. एंड अल्फा को 74 रखने के बाद गाइस, हमें क्या करना है, मिडिल पे कट लगाना है एंड इस पार्ट को हमें डुप्लीकेट करके आगे भी ले जाना है, ठीक है. इस तरीके
से पूरा क्लिप में आप लोगों को करना है, डुप्लीकेट करके आगे रखना है एंड पूरा क्लिप को आप लोगों को इस टाइप से एडिट कर लेना है, ठीक है, देख सकते हो। एंड अभी गाइज हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी गाइस आप लोगों को क्विक वीपीएन को ओपन करके कनाडा सर्वर पे कनेक्ट कर लेना है, इसके बिना कैपकट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अभी कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड आपका जो वीडियो है उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। एंड गाइस जहाँ से आप लोग इमोट मार रहे हो ना, मतलब हेडशॉट मारा तो यहाँ तक रख देना एंड जहाँ से इमोट कर रहे हो उस क्लिप को डिलीट कर देना, ठीक है। मतलब हेडशॉट मारने तक का ही आप लोगों को क्लिप को लेना है, ठीक है। एंड अभी गाइस यहाँ पर आप लोगों को फिल्टर के अंदर जाना है, नाइट के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आप लोगों को ऑरेंज ब्लू मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन जैसे आप लोग एडजस्ट करते हो आप लोगों को यहाँ पर भी एडजस्टमेंट में आके एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर टेम्परेचर को हम लोग माइनस रखेंगे एंड विगनेट को थोड़ा सा रखना है, ठीक है। शार्पन को आप लोग कुछ इतना रखना, आप लोग फॉलो करना मैं कितना कितना रख रहा हूँ, आप लोग भी सेम टू सेम वैसे ही रखना, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सेव कर देंगे, ठीक है। एंड अभी गाइज आप लोगों को क्या करना है, अभी गाइज आप लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम में जाना है एंड वॉल्यूम को कम कर देना है, ठीक है। 25 के अराउंड आप लोगों को वॉल्यूम को कर देना है एंड अभी साउंड पे जाना है एंड हम लोग अपना जो साउंड है वीडियो का यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अभी गाइज हम लोग क्लिप को स्लो करेंगे, ठीक है, स्लो मोशन डालेंगे। तो मैं यहाँ से स्लो मोशन डालना चाहता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक स्लो मोशन रहे, तो यहाँ पर भी मैं एक स्प्लिट लगा लूँगा, ठीक है। सो इतना काम करने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, इस वाले पार्ट का जो ऑडियो है इसको हम लोगों को जो है एकदम ज़ीरो रख देना है, ठीक है, तो म्यूट हो जाएगा। एंड अभी गाइज इससे पहले हम लोग की इसको स्लो करें, हम लोग जाएंगे ऑडियो के ऊपर, ऑडियो के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है एंड मैच आउट के ऊपर जाना है, ऑटो जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक बीट ऐड हो जाएगा, ओके। एंड अभी हम लोग स्लो करेंगे ताकि हम बीट के साथ अच्छे से सिंक कर पाए। अभी आप लोगों को स्पीड पे जाना है, कर्व पे जाना है, कस्टम पे जाना है एंड कुछ इस टाइप से आप लोगों को कर्व को एडजस्ट करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अच्छे से कर्व को एडजस्ट करने के बाद गाइज देख सकते हो हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अभी गाइज मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। अभी गाइज यहाँ पर हमें जो है काइंड मास्टर वाला जो क्लिप हमने बनाया था कैरेक्टर का, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। एंड अभी गाइज हम लोग क्लिप के फर्स्ट सेक्शन पे आएंगे एंड यहाँ पर गाइज आप लोग को बॉडी इफेक्ट के अंदर क्लिक करना है, इफेक्ट के अंदर, ओके, वीडियो इफेक्ट के अंदर नहीं, इफेक्ट के अंदर जाना है, बॉडी इफेक्ट के अंदर जाना है एंड रेनबो टीयर्स करके एक इफेक्ट मिलेगा, इसको गाइज यहाँ पर हेडशॉट वाले क्लिप तक ही रखना है, ठीक है। गाइज इतना काम करने के बाद गाइज आप लोगों को वीडियो इफेक्ट के अंदर जाना है एंड आप लोगों को हेलो ब्लर वाला इफेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड इस इफेक्ट को थोड़ा सा ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। अभी इतना काम करने के बाद गाइज आप लोगों को फिर से वीडियो इफेक्ट्स के अंदर चले जाना है, डिटेल्स के अंदर जाना है एंड मूड ऑफ वाला जो इफेक्ट है इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको थोड़ा सा आगे लाना है, ठीक है। एंड आगे लाके कुछ यहाँ तक आप लोगों को रखना है, इसको ट्रिम कर लेंगे यहाँ तक। एंड अभी गाइज इसके सेटिंग में चले जाना है, स्पीड को बढ़ा देना है एंड इंटेंसिटी को कम कर देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से देख सकते हो, ठीक है। तो इतना काम कर लेना है, इतना काम करने के बाद हम लोग फिर से वीडियो इफेक्ट के अंदर जाएंगे एंड शेक वाला इफेक्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। एंड ये जो क्लिप हमारा कैरेक्टर का स्टार्ट हो रहा है इसके स्टार्टिंग पे ही शेक इफेक्ट रखना है, ठीक है। एंड सेटिंग पे जाना है, स्पीड एंड इंटेंसिटी को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके यहां तक आपको रख देना है। अभी इतना काम करने के बाद गाइज हमें क्या करना है, हमें हर एक बीट पे इस तरीके से कट लगा देना है, देख सकते हो येलो येलो बीट आ रहा है नीचे, तो बीट के ऊपर कट लगा देना है पूरे क्लिप में, ठीक है। अभी इतना करने के बाद आप लोगों को फिर से बॉडी इफेक्ट के अंदर क्लिक कर देना है एंड ट्रेंडिंग पे आप लोगों को ये वाला इफेक्ट मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसका कलर को आप लोगों को रेड कर देना है एंड यहाँ पर इंटेंसिटी एंड फिल्टर को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड इस वाले इफेक्ट को एकदम लास्ट तक आप लोगों को ड्रैग कर लेना है, ठीक है। अभी गाइस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो इफेक्ट के अंदर जाना है, डार्क के अंदर जाना है एंड आप लोगों को मिडनाइट बैट करके एक इफेक्ट मिलेगा, इसको भी ऐड कर लेना है, ओके। अभी गाइज हमारा लास्ट काम बचा है जो कि हर एक बीट के ऊपर शेक इफेक्ट डालना, ठीक है। तो हर एक क्लिप जहां पर हमने कट लगाया था उस क्लिप के इन एनिमेशन पे हमें शेक इफेक्ट डाल देना है, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा क्लिप बिल्कुल रेडी हो जाएगा।